हेलो स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बताऊंगा जिससे कि आपका पूरा चैप्टर कम्प्लीटली रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द लेबल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। हर्बेरियम सीट पे जो लेबल प्रेजेंट होता है उस पे कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं होता? डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम या फिर हाइट ऑफ द प्लांट। तो स्टूडेंट्स देखते हैं पहले हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट कुछ ऐसा होता है ऐसे, ठीक है, एक सीट ऑफ पेपर जैसा। और इस पे हम जो लेबल होता है वो लोअर राइट कॉर्नर पे लेबल प्रेजेंट होता है कुछ ऐसे, ठीक है, लोअर राइट कॉर्नर पे ये लेवल प्रेजेंट होता है। और इस लेवल की डायमेंशन होती है 7x12 सेंटीमीटर की। और इस लेवल पे और जो बाकी स्पेस है वहाँ पे हम लोग प्लांट्स को प्रेस करके, ड्राई प्रेस्ड करके यहाँ पे अटैच करते हैं। सपोज ये प्लांट हो गया और इसको हमने अटैच कर रखा है यहाँ, ठीक है। और ये लेवल पे हम लोग क्या लिखते हैं? डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम और बॉटनिकल नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है। तो इसमें और इस पे हाइट ऑफ द प्लांट नहीं लिखा जाता है, इसका इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होता है। किसका? हाइट ऑफ द प्लांट का। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, हाइट ऑफ द प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज मैच कॉलम वन विद कॉलम टू फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन के लिए हमें मैचिंग करना है कॉलम वन को कॉलम टू से और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें हमें फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम इसे मैच करना है। तो एक बार मैं इससे पहले मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो होते हैं उनको आसानी से कैसे याद करें रैंक वाइज। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक है कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। फिर से बोलिए मेरे साथ, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। के फॉर किंगडम, ठीक है। तो अगर हम हाउस फ्लाई की देखें तो किंगडम क्या होता है? एनिमेलिया, ठीक है, किंगडम होता है एनिमेलिया। वहीं फाइलम जो देखें, फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। हाउस फ्लाई की फाइलम क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। और क्लास क्या होता है? इंसेक्टा, क्लास हो जाता है इंसेक्टा। और ऑर्डर, ऑर्डर की बात करें तो क्या होता है? डिप्टेरा, ऑर्डर होता है डिप्टेरा। फैमिली होता है मसीडी, फैमिली क्या हो जाता है? मसीडी। और जीनस होता है मस्का। और स्पेसीज क्या हो जाता है? डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका जो नाम है उस। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं, फाइलम क्या हुआ? आर्थ्रोपोडा, ठीक है, कलर एक बार, फाइलम क्या हो गया? आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब नेक्स्ट क्या है? क्लास, क्लास को क्या हो गया? इंसेक्टा, क्लास हो गया इंसेक्टा। ऑर्डर, ऑर्डर है डिप्टेरा, ऑर्डर हो गया डिप्टेरा। फैमिली क्या हो गया? मसीडी, फैमिली हो गया। अब इसे मैच कर लेते हैं, मैच ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का वन, बी का वन, सी का फोर, सी का फोर, डी का टू, डी का टू। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टडी द फोर स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वंस फ्रॉम देम। चार स्टेटमेंट दिए हैं और इनमें से दो करेक्ट जो हैं उन्हें हमें चूज करना है। तो चलिए एक बार चूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज वॉज गिवन बाई अर्नेस्ट मेयर। ये क्या है? सही है, बायोलॉजिकल स्पेसीज के डिफिनीशन को किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने। सेकेंड ऑप्शन है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये रॉन्ग है क्योंकि फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को। जो भी सीजनल ब्रीडर हैं प्लांट्स और एनिमल्स सबको फोटो पीरियड अफेक्ट करता है तो उनके रिप्रोडक्शन को, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी क्या है? बाइनोमियल नोमनिक्लेचर सिस्टम वॉज गिवन बाई आर एच विटेकर। ये भी रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि बाइनोमियल सिस्टम आर एच विटेकर ने नहीं बल्कि कैरोलस लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, जबकि आर एस विटेकर ने क्या दिया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ऑप्शन डी देख लेते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ये करेक्ट है,
क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब भी ग्रोथ होता है वो बाइनरी फ्यूजन करके एक से दो हो जाते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन ही होता है। तो एक तरह से ये दोनों सिनोनिमस होता है, क्योंकि ग्रोथ क्या होता है, एक सेल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल इंक्रीज करता है तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा हुआ, ए एंड डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए एंड डी ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नोमिनिक्लेचर इज गवर्न बाई सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमिनिक्लेचर। इनमें से कौन सा नोमिनिक्लेचर के रूल के अपोजिट है। द फर्स्ट वन इज द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज, ये करेक्ट है, नेम लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और उसे हम इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। When written by hand, names are to be underlined. ये भी करेक्ट है, हमें जीनस और स्पीसीज को अगर हैंड से रिटन करते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। अब चलिए ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं, ये दोनों तो करेक्ट हो गए, हमें क्या चूज करना था, रॉन्ग वन। तो चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। तो ऑप्शन सी है, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज, ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम हम किस में लिखते हैं, लैटिन में लिखते हैं, ना कि कोई भी लैंग्वेज में, तो लैटिन में लिखते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, ये करेक्ट है, बायोलॉजिकल नेम में फर्स्ट नेम क्या होता है, जीनस, और सेकेंड क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये करेक्ट है। तो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, सी, ये नोमिनिक्लेचर के अनुसार नहीं है, तो सी इज रॉन्ग नाउ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं जो कि नीट 2013 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब हमें रॉन्ग वन को चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि फोटोग्राफ्स थोड़ी रहता है म्यूजियम में, अगर आप म्यूजियम गए हों तो उसमें हम कंजर्व करके रखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स को, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स के क्या होते हैं वहाँ स्पेसिमेंट्स, तो क्या हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ फोटोग्राफ नहीं स्पेसिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन बी है कि इस टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंट्स, ये करेक्ट है, हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स, ये भी करेक्ट है, बोटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ये भी करेक्ट है, तो कौन रॉन्ग है, ए, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स है जो कि नीट 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली ऑर्डर डिवीजन या फिर जीनस, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मैक्सिमम कौन से लेवल पे होगा पोटैटो और टोमेटो के लिए। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम किंगडम से स्पेसीज की तरफ जाएं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होता है, जबकि अगर स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाएं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होता है। तो किंगडम से स्पेसीज जाएंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होगा, तो स्पेसीज के पास वाले जो भी होंगे वहाँ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होगा। तो टोमेटो और पोटैटो तो सेम स्पेसीज के नहीं हैं, ना ही सेम जीनस के हैं, लेकिन फैमिली इनकी सेम है, कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी, जिसको हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, तो पोटैटो और टोमेटो किस में आते हैं, सोलेनेसी फैमिली में, तो इसी में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा होगा, तो सिक्स का ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमिनिक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड, इनमें से कौन सा साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड है और जो नोमिनिक्लेचर्स के रूल हैं उसको फॉलो कर रहा है और करेक्टली डिस्क्राइब्ड है। फर्स्ट ऑप्शन है मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजार्ड रेप्टाइल, ये रॉन्ग है, क्योंकि मस्का डोमेस्टिका क्या है, हम जानते हैं मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस फ्लाई है, क्या है ये, कॉमन हाउस फ्लाई है, जबकि कॉमन लिजार्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है, हेमी डेक्टाइलस। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। सेकेंड क्या है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम ए प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये करेक्ट है, मलेरिया कौन कॉज करता है, सबसे
सीरियस मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और जबकि सी ऑप्शन देख लें, फेलिस टाइग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, ये भी रॉन्ग है। क्यों? इंडियन टाइगर का नाम क्या है? पेंथेरा टाइग्रिस, पेंथेरा टाइग्रिस, ना कि फेलिस टाइग्रिस, ठीक है। और डी ऑप्शन देखते हैं, ई कोलाई फुल नेम एंटोमीबा कोलाई, नहीं ये रॉन्ग है, क्योंकि ई कोलाई का फुल नेम क्या होता है? एस्चेरिसिया कोलाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पार्टिक्यूलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फर्स्ट ऑप्शन इज, इनमें से कौन सा एनिमल उसके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से करेक्टली मैच्ड है? फर्स्ट ऑप्शन इज टाइगर, टाइग्रिस स्पेसीज, ये करेक्ट है, क्योंकि टाइगर अगर आप एक एग्जांपल लें पैंथेरा टिग्रिस का, तो उसका स्पेसीज नेम क्या है? टिग्रिस, तो ये करेक्ट है। सेकेंड है कटल फिश, मलुस्का में आता है, लेकिन मलुस्का क्या है? क्लास नहीं है, मलुस्का क्या है? फाइलम या डिवीजन है, मलुस्का फाइलम या डिवीजन है, क्लास नहीं है। थर्ड ऑप्शन ह्यूमंस, प्राइमेटा फैमिली, फैमिली नहीं है प्राइमेटा, प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर है। और हाउस फ्लाई नाम हम जानते हैं इसका, मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का क्या है इसमें? जीनस है, ना कि ऑर्डर है। सो द राइट ऑप्शन इज ए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इनमें से कौन सा लिविंग थिंग्स का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट इज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन इनविट्रो, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, एंड फोर्थ वन इज इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो हम जानते हैं एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस मीन्स इसका सही आंसर होगा सी, जो कि है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का। सो 9 का सी। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, ICBN स्टैंड फॉर, ICBN हम जानते हैं, ICBN अगर आपको याद हो तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमनिक्लेचर। सो यही ए राइट ऑप्शन होगा। इंटरनेशनल बी ऑप्शन देखें, इंटरनेशनल कांग्रेस नहीं, सी इंडियन नहीं, इंडियन नहीं, और डी भी इंडियन, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, एंड फोर्थ वन इज रिस्पॉन्सिबिलनेस टू टच। तो हम जानते हैं कि बिना एक्सेप्शन का अगर कोई एक करेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स है क्या? रिस्पॉन्सिबिलनेस टू टच, कॉन्शियसनेस। तो द राइट ऑप्शन इज डी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज, सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 इज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटनिकल गार्डन इज दैट। बोटनिकल गार्डन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? हम जानते हैं बोटनिकल गार्डन क्या होता है, एक सीटू कंजर्वेशन, एक सीटू कंजर्वेशन। फर्स्ट ऑप्शन, दे प्रोवाइड अ ब्यूटिफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, वन बी इज वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, सी इज दे अलाउ एक सीटू कंजर्वेशन ऑफ जम प्लांट्स। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बोटनिकल गार्डन का, ये एक सीटू कंजर्वेशन कराते हैं जर्म प्लाज का, जो जो इस्टिंक्ट होने वाले हैं या उनका अगर कंजर्वेशन कराना है, तो हम एक सीटू उनको नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कहीं आर्टिफिशियल हैबिटेट में हम कंजर्व करते हैं, और इसी का एक एग्जाम्पल क्या है? बोटनिकल गार्डन। तो राइट ऑप्शन इज सी। डी ऑप्शन इज दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट, ये रॉन्ग है, आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज डी, राइट ऑप्शन इज सॉरी 12 का सी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज, स्पेसीज आर कंसिडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कांट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म
रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिराइव बाय टैक्सोनॉमी, तो इसका सही आंसर होगा स्पेसीज आर कंसिडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हम इन्हें बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पे सिस्टमैटिक्स बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं, बी इज डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, ये भी नहीं, सी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज, ये करेक्ट है। बायोसिस्टमैटिक्स एम्स क्या करता है, ये ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, हमेशा याद रखें बायोसिस्टमैटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस, इनमें से कौन सा कैरेक्टर में लेस जनरल होता है जीनस के कंपेयर में, तो दोस्तों हम जानते हैं पहले ऑप्शन देख लें स्पेसीज डिवीजन क्लास फैमिली, तो हम जैसा कि जानते हैं कि अगर किंगडम से हम लोग स्पेसीज के तरफ जाएं तो जनरल कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज, जबकि कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, तो जनरल कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे, तो अगर हमें लेस जनरल कैरेक्टर चाहिए तो हमें क्या होना पड़ेगा, जीनस से स्पेसीज के तरफ जाना पड़ेगा, तो जीनस से स्पेसीज, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, स्पेसीज, बाकी सब में जनरल कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, तो 15 का ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द बुक जेनरा प्लेनेटेरियम वाज रिटन बाय, दोस्तों जेनरा प्लेनेटेरियम बुक जो था वो किसने लिखा था, फर्स्ट ऑप्शन है एंगलर एंड प्लांटर, सेकेंड है बेंथम एंड हुकर, थर्ड है वेसी एंड फोर्थ है हचिनसन, तो इसका राइट आंसर होगा जेनरा प्लेनेटेरियम को बेंथम एंड हुकर ने मिलकर लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर टैक्सोनॉमी स्पेसीज जीन्स, इसका सही आंसर है टैक्सोनॉमी, टैक्सॉन क्या होता है, यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज लिनियस इज क्रेडिटेड विद, लिनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो हम जानते हैं लिनियस ने क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें क्या था जीनस, फर्स्ट नेम क्या था जीनस और सेकेंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट और लैटिन लैंग्वेज में। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि 1992 में आया था, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सीक्वेंस क्या है, तो मैंने आपको शुरू में ही एक ट्रिक बताया था, उसे मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ट्रिक था कुछ ऐसे था ट्रिक, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, तो ये क्या होगा सीक्वेंस, किंगडम से फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, तो चलिए मैच करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है क्लास के बाद फाइलम आ रहा है तो ये रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन डिवीजन, फाइलम को ही हम डिवीजन भी कहते हैं, डिवीजन, तो डिवीजन ठीक है, डिवीजन के बाद आया क्लास, यहाँ तक सही है, क्लास के बाद ऑर्डर आना चाहिए जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है फैमिली आ रहा है और ऑर्डर यहाँ, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं डिवीजन, डिवीजन क्लास, डिवीजन के बाद क्या आना चाहिए क्लास, क्लास के बाद क्या आना चाहिए ऑर्डर, ये भी ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, यहाँ तक करेक्ट है, फैमिली के बाद ट्राइब और ट्राइब के बाद जीनस और फिर स्पीसीज, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ देख लेते हैं एक बार, फाइलम आ रहा है, फाइलम के बाद डायरेक्ट क्या जा रहा है ऑर्डर, जबकि क्लास आता है फाइलम के बाद, तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 इज द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, फाइलम टर्म किसने दिया था, ऑप्शन है क्यूबियर, हैकल, थियोफ्रास्टस, लिनियस, तो हम जानते हैं टर्म फाइलम वाज गिवन बाय क्यूबियर, सो राइट ऑप्शन इज ए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज
A group of plants or animals with similar traits of any rank each. A group of plants or animals with similar trait of any rank each. प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रुप जिनमें सिमिलर ट्रेट हो किसी भी रैंक पे उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें कहते हैं हम टैक्सॉन। ठीक है, टैक्सॉन इज ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी, टैक्सॉन क्या होता है, एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, किसी भी रैंक का एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट, जैसे 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 इज बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज। तो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में बेसिक यूनिट क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है स्पेसीज। ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, स्पेसीज, उसके बाद जीनस, फिर फैमिली, ऐसे जाते जाते किंगडम तक जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 24 क्वेश्चन इज लिनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमनिक्लेचर कॉल्ड। लिनियस ने कौन सा नोमनिक्लेचर इवॉल्व किया था, तो हम जानते हैं लिनियस ने बाइनोमियल नोमनिक्लेचर इवॉल्व किए थे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में बाइनोमियल है। फर्स्ट ऑप्शन मोनोमियल, रॉन्ग। सेकेंड वर्नाकुलर, रॉन्ग। थर्ड है बाइनोमियल, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि 1988 में पूछा गया था। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, न्यू सिस्टमैटिक टर्म्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, बेंथम एंड हुकर, लिनियस, जूलियन हक्सले, एवी डे कैंडोले। तो हम जानते हैं राइट ऑप्शन होगा नियो सिस्टमैटिक टर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जूलियन हक्सले। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज वाज किसके द्वारा पुट फॉरवर्ड किया गया था, डी कैंडोले, लिनियस, थियोफ्रास्टस, डार्विन। इसका सही आंसर होगा थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस ने स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज को आगे लाया था, तो राइट ऑप्शन इज सी। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आया था नीट 2019 में। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मेथड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज बायोस्फीयर रिजर्व, सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड इज बोटनिकल गार्डन, फोर्थ इज सेक्रेट ग्रुव्स। सो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि बोटनिकल गार्डन इन सीटू नहीं बल्कि एक सीटू कंजर्वेशन है, एक सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन है, और ये नेचुरल हैबिटेट में नहीं बल्कि हम लोग आर्टिफिशियल हैबिटेट में ग्रो करते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज सी, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेक्रेट ग्रुप्स ये सब क्या हैं, इन सीटू कंजर्वेशन है, ये सब नेचुरल हैबिटेट में ही हम लोग वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज सी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2018 में आया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें मैच करना है हर्बेरियम की म्यूजियम कैटलॉग, तो इधर इनके डिफिनीशन दे रखे हैं, तो पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ लेते हैं जिससे समझ में आ जाए कौन सा। फर्स्ट है इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। तो आप जानते हैं प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स को कहाँ कंजर्व किया जाता है, कहाँ कलेक्ट किया जाता है, म्यूजियम में। सो द सी का वन। नेक्स्ट है ए लिस्ट दैट इनम्यूरेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, कैटलॉग, कैटलॉग होता है, तो डी का टू। नाउ थर्ड इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन सीट्स आर केप्ट। सो हम जानते हैं स्टूडेंट्स हर्बेरियम में हम लोग ड्राइड और प्रेस्ड करके प्लांट्स स्पेसिमेंट को हम कलेक्ट करते हैं ऑन द सीट्स। सो द ए का थ्री। एंड फोर अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। तो ये क्या हो जाएगा कि
बी का फोर, तो ए थ्री, ए थ्री, बी फोर, बी फोर, सी वन एंड डी टू. करेक्ट ऑप्शन इज फोर. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने सॉल्व किए 28 क्वेश्चंस. अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें. सो थैंक यू.